हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई आपके लिए सेवा में तत्पर। इस बार मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लाया हूं। आप लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, जैसा कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने लॉकडाउन के पीरियड में अप्लाई करे थे बट वो अभी तक पेंडिंग है, या लॉकडाउन खुलने के बाद भी काफ़ी जगह लॉकडाउन नहीं खुला उसकी वजह से वो रजिस्ट्रेशन अभी तक पेंडिंग है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दी है, एक क्लैरिफिकेशन दिया है। तो आइए शुरू करते हैं कि आप लोगों को क्या रिलीफ मिला है। लेट्स स्टार्ट। ये 17 जुलाई 2020 को प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ने, सब्जेक्ट क्या है इसका, रिमूवल ऑफ पेंडेंसी ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल ड्यूरिंग कोविड पीरियड रजिस्ट्रेशन, कि जो भी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपने कोविड के टाइम पर फाइल करी है उनकी पेंडेंसी को ख़त्म करना है जल्द से जल्द। सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 रीड विद रूल 9 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017 प्रोवाइड्स फॉर डीम्ड अप्रूवल। ये पहले से ही एक सेक्शन 25 है, उसका सबसेक्शन 10 है सीजीएसटी एक्ट का, वो कहता था कि डीम्ड अप्रूवल आपका रजिस्ट्रेशन विद इन 3 डेज, ये माना जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया है। आगे देखते हैं, इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन ऑन द सेट एप्लीकेशन विद इन द सेट पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज। तो ये पहले से ये चीज लिखी हुई थी कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर आपके रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पर कोई भी एक्शन नहीं लेता है तो आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। इट मीन्स 3 दिन बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया है मान लिया जाएगा। इसके आगे, स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशंस हैड बीन रेज्ड ऑन पॉसिबल मिसयूज ऑफ द डीमिंग प्रोविजन ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन पीरियड वेयर आइदर द सेंट्रल और स्टेट टैक्स ऑफिसर आर क्लोज और फंक्शनिंग विद स्केल्टन स्टाफ सिंस द लॉकडाउन अप्लाइड अक्रॉस ऑल द एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग दोज belonging to government, central and state during the lockdown period there being no working days, it had been decided that deemed approval of application of registration would not be granted on the portal with effect from 25th May 2020. अब लॉकडाउन में लोग इस चीज़ का मिसयूज ना कर लें तो गवर्नमेंट ने इस फैसिलिटी को सस्पेंड कर दिया था कि जो भी 25 मार्च 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन अप्लाई होंगे उस पर डीम्ड रजिस्ट्रेशन वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। Accordingly, deemed approvals had been held up. However, since the lockdown is over in most of the areas and offices are open since 1st June 2020, as informed in the video conference by the member GST on 26th June 2020, deemed approvals have been granted for all those applications pending as on 30th June 2020, which had not been processed till 15th July 2020. अब इन्होंने फिर से उस फैसिलिटी को स्टार्ट करा है क्योंकि अब लॉकडाउन खुल गया है, सब जगह ओपन हो गया है। तो जो भी एप्लीकेशन आपकी एज ऑन 30 जून 2020 को पेंडिंग है और जो प्रोसेस नहीं होंगी 15 जुलाई 2020 को, उन्हें मान लिया जाएगा डीम्ड अप्रूवल। इट मीन्स 15 जुलाई से पहले पहले वो या तो वो डिस्पोज ऑफ करेंगे, डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो उसे डीम्ड अप्रूव मान लिया जाएगा। आगे चलते हैं, It has been further decided that the application received thereafter, which remain pending as on 28, 2020, it means आपकी जो ऊपर डेट दी गई है इसके बाद आपने अप्लाई करा है वो पेंडिंग है 28 जुलाई 2020 को, उसे भी डीम्ड अप्रूव मान लिया जाएगा ऑन 31st जुलाई 2020 एंड द 3 डेज डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी रिज्यूम फ्रॉम 1st अगस्त 2020। इट मीन्स जो आपकी 30 जून को एप्लीकेशन पेंडिंग थी वो 15 जुलाई तक डिस्पोज ऑफ होंगी और जो आपकी 28 जुलाई 2020 को रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है वो 31 जुलाई से अप्रूव हो जाएंगे या रिजेक्ट हो जाएंगे जो भी एक्शन लेना है। अगर वो नहीं होता तो डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा और 1 अगस्त से जो सेक्शन में बात लिखी गई थी डीम्ड अप्रूवल, वो दोबारा से रिज्यूम हो जाएगा। इट मीन्स 3 वर्किंग डेज के अंदर अगर ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता है तो आपका डीम्ड अप्रूवल अप्लाई हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन मिल गया है। Accordingly, it is requested that all the pending application of registration be disposed of before 30 July 2020 as a special drive. In this regard, necessary administrative instruction दे दिए गए हैं. You may also monitor them on daily basis till 28 July 2020 so the pendency is liquidated. Further, it is also noticed that during the lockdown period also a few registration application has been deep approved on the portal because of technical glitches. GSTN has been requested
to forward the list of such GST who have deemed approval during the lockdown to the jurisdictional officer. In such cases, wherever required, proper officer may get physical verification. अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कुछ registration टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से डीम्ड अप्रूव्ड हो गए हैं लॉकडाउन पीरियड में, जो नहीं होने थे उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा प्रीमाइसिस का। तो ओवरऑल कंक्लूसिवली मैं इस गाइडलाइंस को पढ़ के ये कहूँगा कि अगर आपके कोई भी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है लॉन्ग टर्म तक, 31 जुलाई तक आपके सारे रजिस्ट्रेशन डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे और 1 अगस्त से फ्रॉम 1st अगस्त 2020 आपके जो डीम्ड अप्रूवल वाले रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन थे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। इट मीन्स विद इन 3 working days अगर प्रॉपर ऑफिसर कोई आपके रजिस्ट्रेशन में एक्शन नहीं लेता है तो उसे डीम्ड अप्रूवल माना जाए। तो ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है, काफ़ी लोग परेशान थे, इवन हम कंसल्टेंट्स लोग, हम लोगों को अप्लाई कर रहे थे, लोग फ़ोन कर करके पूछ रहे थे हमारा रजिस्ट्रेशन कब आएगा। तो ये बहुत बड़ी गाइडलाइन, बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन है हम सब लोगों के लिए। तो अब आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके रजिस्ट्रेशन जो अप्लाई हुए हैं वो 31 जुलाई तक सब क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद जो भी हम अप्लाई करेंगे वो विद इन टाइम लिमिट आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो जो GST इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड थी। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप भी इस नॉलेज को और शेयर करिए और कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप फ़ोन करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।